तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52 5G वाला मॉडल है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। उस नए अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस हुए हैं या क्या सिक्योरिटी में वहां पर चेंजेस किया गया है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। मैं आपको बता रहा हूँ नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे या ऊपर देखेंगे तो आपको एक नया अपडेट ऊपर दिख रहा होगा। आप दिख रहे होंगे ऊपर आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है। और आपको नहीं दिख रहा तो आपको नीचे आना है यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद आपको जाना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे। डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर लेना और ये अपडेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस अपडेट में क्या किया गया है। इस अपडेट में द सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस हैज बीन इंप्रूव, सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट डिवाइस स्टेबिलिटी को बढ़ाया गया है, न्यूज एंड एनहांस फीचर किए गए, फर्दर इंप्रूवमेंट की गई है और साथ में कुछ नया यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। मतलब कि मेन चीज यही, यहाँ पर सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दिया गया है जो कि 1 जुलाई 2022 की यहाँ पर कर दी गई है। साथ में इस अपडेट का जो साइज है 239.11 MB का ये अपडेट है, तो उसको होने देते हैं अपडेट। दोस्तों हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, अपडेट करते टाइम में आपकी मोबाइल की बैटरी 50% के अबव होनी चाहिए या फिर आपका मोबाइल वहाँ पर चार्ज पे लगा होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मोबाइल रिस्टार्ट मतलब जब अपडेट होगा तो मोबाइल शट डाउन होकर दोबारा चालू होता है, उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है तो उसमें दिक्कत ना हो, तो हमेशा अपने मोबाइल को 50% के अबव चार्ज पे रखने के बाद ही अपडेट करें। और साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसी टेक अपडेट के लिए तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों उसको अपडेट होने देते हैं, देख रहे हैं फाइनली पूरा डाउनलोड हो चुका है। मेरे पास नेट की स्पीड अच्छी है तो फटाफट ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड इंस्टॉल होने आप देखेंगे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आ रहा है इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे मोबाइल ऑटोमेटिक रिस्टार्ट मोड पर चले जाएगा और उसके बाद ऑन हो जाएगा, तो उसको होने देते हैं। ये मैं मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स या हो सकता है 10 मिनट भी ले, ये अपने हिसाब से ही टाइम लेता है, बट आपको कोई फोर्सफुली की दबाना नहीं है चालू करने के लिए, इसको होने देते हैं अब अपडेट। तो फाइनली दोस्तों अपडेट होने के बाद ये मोबाइल मेरा रिस्टार्ट हो चुका है। अब मैं कर लेता हूँ उसको यहाँ पर अनलॉक। अनलॉक करने के बाद आप देखेंगे थोड़ी सी स्लो चलेगा क्योंकि बैकग्राउंड में प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है। अब मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन नीचे करूंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन पे दिखा भी रहा है कि फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, ये सिस्टम अपडेट यहाँ पर चल रहा है बैकग्राउंड में। जैसे ही अपडेट हो जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर मोबाइल हैज़ बीन अपडेटेड। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद देखेंगे और क्या क्या चेंज किया गया है, वन यूआई में कुछ चेंजेस किए गए हैं या नहीं किए गए। और दोस्तों मैं जैसा कि हर बार करता हूँ, हर अपडेट करने के बाद मैं एक रिव्यू वीडियो डालता हूँ उस अपडेट की, तो इस अपडेट की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। इसमें बताऊँगा कि इस अपडेट में कुछ नया चेंजेस किया है या नहीं किया और इसके बाद कोई बग्स मुझे दिख रहे हैं या बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है या नहीं किया गया, तो उसको होने देते हैं फिलहाल अपडेट। आप दोस्तों फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको ले जा, ये देखेंगे दोस्तों ये अपडेट होने के बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट सॉफ्टवेयर अपडेट क्लिक टू गेट स्टार्टेड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे ऐसा ऑप्शन बोलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ चुका है योर फोन हैज बीन अपडेटेड, फाइनली अपडेट हो चुका है। अब इसको मैं कर लेता हूँ ओके। डिस्कवर न्यू, अब अगर आप इसमें कोई सी भी ऐप यहाँ पर डाउनलोड हो रही होगी आपको यहाँ से लेटर करके इसको फिनिश कर देना और ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर फिलहाल कोई ऐप को अपडेट नहीं किया गया, बोल सकते हैं इंस्टॉल नहीं किया गया, नहीं तो हर अपडेट में कोई ना कोई ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, बट अभी यहाँ नहीं किया गया। और उसके बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे ले जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, आपको जाना है अबाउट फोन में एंड उसके बाद जाना है आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके आप देखेंगे यहाँ पर वन यूआई में कोई चेंजेस नहीं किया गया, वन यूआई 4.1 ही है। उसके नीचे आएंगे वहाँ पर आप देखेंगे नीचे 1 जुलाई 2022 की मतलब सिक्योरिटी को अपडेट कर दिया गया है। पहले वहाँ पर जून की सिक्योरिटी थी, अब यहाँ पर जुलाई की सिक्योरिटी को अपडेट कर दिया गया है। और उसके बाद में अगर मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में तो वहाँ पर आप देखेंगे लास्ट अपडेट में क्या किया गया है। लास्ट अपडेट में सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दिया गया है, साथ में डिवाइस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया और कुछ बग्स एंड फिक्स किए गए।
तो दोस्तों यही नया अपडेट था। इस अपडेट में फिलहाल तो कोई चेंजेस नहीं दिए गए, अब उस हफ्ते कोई नए फीचर को जोड़ा नहीं गया, बट मैं कुछ टाइम बाद इसकी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या नए चेंजेस किए गए हैं या फिर इस अपडेट के बाद क्या बग्स मुझे फेस करे हैं या क्या बग्स को वहाँ पर फिक्स किया गया है। तो बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, ताकि आप जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले वहां नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों।